हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान हंड्रेड एक्सपर्ट। माई सेल्फ विष्णु डागरे, मैथ्स फैकल्टी ऑफ उड़ान हंड्रेड एक्सपर्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों को पता होगा कि भाई हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा है, उसकी बेटा दो क्लास हो चुकी हैं। आज की क्लास भाई हमारे तीसरे नंबर की क्लास है। और सुनिए, जितने भी हमारे छात्र इस समय लाइव क्लास ले रहे हैं, वो सबसे पहले भाई क्लास को हमारी को शेयर करें। शेयर करो बेटा सबसे पहले, और भाई जल्दी से जल्दी जुड़ो। जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक भाई जल्दी से जल्दी जुड़ जाया करो। और इतना भी आपको पता है कि भाई डेली 12:15 पर क्लास स्टार्ट होती है, तो बेटा ये बैच की टाइमिंग है कि आपको भाई 12:15 पर आना ही है क्लास लेने मैथ की। समझ गए ना जितने भी हमारे छात्र हैं? थोड़ा 12:15 पर रेगुलर क्लास चल रही है, पूरा सिलेबस कराया जाएगा इसी टाइम पर। क्यों भाई? तो आज की क्लास पार्ट 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, देखिए, चलो बेटा पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। और सभी को भाई करीबन 30 सेकंड का समय मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। जब जब क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर, और आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, निकालिए आंसर। देखिए, चलो क्वेश्चन देखिए आ गया ना स्क्रीन पर। तो क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? एक व्यापारी ने दो साहूकारों से कुल 2000 रुपये कर्ज लिया। एक कर्ज 8% वार्षिक तथा दूसरा कर्ज 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया। एक वर्ष के बाद उसने कुल ब्याज 136 रुपये दिया। देख लेना बेटा, 136 ही लिखा होगा। बताइए कि व्यापारी ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी राशि उधार ली? हाँ भाई, निकालिए बेटा, करीबन 30 सेकंड का समय मिलता है भाई आपको, निकालिए आंसर बस। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो किसी भी छात्र को हमारे को। हाँ भाई बताइए, माय डियर स्टूडेंट्स, आया कि नहीं आया आंसर आप लोगों का? देखिए, चलो भाई, जो हमारे छात्र आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो भी, और जो दे रहे हैं देख लेना भाई कैसे करते हैं। बेटा इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना, ये हमारा पी है, प्रिंसिपल, बोले तो मूलधन। और मूलधन को बोलते हैं हम 2000 रुपये, क्योंकि 2000 रुपये उसने कर्ज लिया है। 2000 रुपये कर्ज लेकर वो दो भागों में बांटता है, फर्स्ट और सेकंड। पहले भाग को कितना? 8%, और दूसरे भाग को कितना? 6%। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? ये भी एक वर्ष का और ये भी एक वर्ष का, तो यहाँ पर टी लिख सकते हो, एक वर्ष, और ये भी एक वर्ष। कोई दिक्कत? और बेटा मैंने आपको उस दिन एक कंडीशन बताई थी इससे पहले वाली क्लास में, अगर रेट पता है और टाइम पता है, और रेट का अगर टाइम में गुणा करते हो 8×8, तो ये टोटल परसेंटेज ब्याज की निकलती है। मतलब पहली राशि का 8% ही टोटल ब्याज प्राप्त हुआ है उसे, ये कितना होगा? 6%। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? लेकिन टोटल राशि पर उसे एसआई कितना प्राप्त हुआ है? 136 रुपये, देख लेना, 136 ही लिखा है क्या? अब देखिए, देख लेना। हाँ भाई, अगर मैं कुल रेट निकालूं, कुल रेट कितनी है, तो 2000 रुपये पर उसे 136 रुपये प्राप्त हुआ है। कितने परसेंटेज ये देखिए हुआ? 0 से 0 उपनेश, 20 से उपनेश होगा भाई,
20 से भाई 6 बार गया, 120 पॉइंट लगा, 160 8, मतलब रेट निकली हमारी टोटल रेट 6.8%। मतलब ये 8%, ये 6%, दोनों को मिलाकर जो हमारा कुल रेट निकला है वो हमारा 6.8% रेट है भाई। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को यहाँ तक? तो बेटा ये इंडिविजुअली अलग अलग पार्ट की, एक कमेंट पार्ट की रेट है। आपको भाई अब एलिगेशन लगा सकते हो यहाँ से। लगाएंगे कैसे? ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ 8%, यहाँ 6% और यहाँ 6.8%। बेटा इसका डिफरेंस 1.2, इनका डिफरेंस 0.8। कोई दिक्कत? 0.4 से डिवाइड होगा 2 बार और ये 3 बार। तो हमें पता लगा कि पहली राशि हमारी 2 रेशियो में होगी और दूसरी राशि हमारी 3 रेशियो में होगी। तो बड़ा दोनों कितने में हो गई? 2000 रुपये। एक रेशियो बराबर 400 रुपये। कोई दिक्कत? ये भाई एक रेशियो की वैल्यू हो गई। तो बेटा ये 2 रेशियो है तो ये होगी हमारी 800 रुपये, और ये 3 रेशियो में आई है तो ये होगी हमारी 1200 रुपये। कोई दिक्कत? अलग अलग पार्ट मैंने निकाल दिए, लेकिन इसने पूछा क्या है ये देखिए। सबसे पहले इसने पूछा है 8% वार्षिक, तो 8% से कितना? 800 रुपये आंसर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? 800 रुपये। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया ना समझ में? स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना। क्या कहता है बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन? मोहन 800 रुपये को, या 800 रुपये में से, सॉरी हाँ, मोहन 800 रुपये को 2 असमान भागों में बांटकर बैंक ए तथा बैंक बी में जमा करता है। बैंक ए की ब्याज पर दर 10% वार्षिक तथा समय 8 वर्ष है, और बी, बैंक बी की ब्याज दर 12% एवं समय कितना है भाई? 10 वर्ष। कोई दिक्कत? यदि दोनों बैंकों से समान समान ब्याज प्राप्त हुआ तो 10% वार्षिक पर कितना धन लगाया गया था? निकालिए भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निकालिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, गलती मत कर देना करने में, ठीक है? नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो। चलो मैं 30 सेकंड का तो समय दे देता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन में, बस साथ ही साथ आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देते चलना। और भाई जितने भी हमारे छात्र हमको गुड आफ्टरनून वगैरह बोल रहे हैं बेटा, सभी से भाई मैं गुड आफ्टरनून बोलता हूँ, ठीक है बेटा? भाई जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास किया करो, बस इतना ही है। देखो जब तक आप लाइव नहीं आओगे क्लास लेने के लिए, जब तक भाई पढ़ाने में आनंद नहीं आता है, ध्यान रखना। हाँ भाई सुन रहे हो ना आप लोग? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा कैसे करेंगे। बेटा क्वेश्चन वही है, 800 रुपये है धन, कितना है? 800, और उसने 2 बैंकों में जमा किया, ये फर्स्ट ए और ये सेकंड बी, ये 2 बैंक हैं। लेकिन इसे इतना पता नहीं कि इसमें कितना और इसमें कितना धन है। इसने तो क्या किया कि भाई यहाँ पर 10% रेट लगाई, आर और टी कितना है? टी कितना है? 8 वर्ष, 8 वर्ष।
और इसने रेट क्या लगाई ये देखिए, इसने बेटा रेट लगाई है हमारी 12%, और टी कितना है बताओ भाई, कितना दिख रहा है बेटा 12%, तो 10 वर्ष। अब देखिए, देखो आपको मैंने उस दिन बताया था अगर समय और रेट दी गई है बेटा, एक साल में आप 10% लेते हो तो अगली साल भी 10% लोगे ना, और फिर दोबारा से 10, तो टोटल 8 वर्ष में उसके पास इस वाले अमाउंट का 80% हो जाएगा, मतलब ए का 80% हो जाएगा टोटल ब्याज ये वाला, और बी वाले पार्ट में कितना 120%। तो भाई यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ ये देखिए, इस वाले अमाउंट का 80% निकालोगे जो ब्याज प्राप्त होगा, वही बी का 120% निकालोगे, दोनों अमाउंट क्या होंगे इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भाई इक्वल हैं ध्यान रखना, तो बेटा ये 120 रेशियो में पैसा होगा तो ये 80 रेशियो में पैसा होगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों इक्वल हैं। क्यों निकाल सकते हो यहाँ से ए का 80% ऐसे बोलूँगा और बी का कितना 120%, दोनों इक्वल हैं बराबर, तो बी को बटे में लगाऊंगा तो ए बटे बी, और ये कितना हो जाएगा 120/80, आ गया कि नहीं आ गया रेशियो, तो ये सीधा यहाँ ऐसे कर सकते हो। अब देखिए टोटल ये 120 ये 80 पूरा कितना हो गया बताओ 200, भाई 200 रेशियो में धन है, लेकिन 200 नहीं रियल में कितना है 800, तो हमें पता लगा एक रेशियो बराबर 4 रुपये, तो ये होगा भाई 8×32 320 रुपये, और ये होंगे हमारे 4 गुना करूँगा 480 रुपये। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो बेटा जो हमारा ए अमाउंट था या बैंक ए में 480 रुपये जमा किए थे और बैंक बी में कितना बताओ 320, और लेकिन इसने पूछा है 10% वाला, तो 10% से 480 रुपये जमा किए गए थे, आंसर क्या दिख रहा है भाई ऑप्शन ए, क्लियर हो गया माई डियर स्टूडेंट्स, बताइए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल राइट है भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर क्या कहता है ये देखिए, सबसे पहले 8,000 रुपये में से 2,000 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज दर पर तथा 3,000 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है, यदि कुल दर या कुल धन पर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है तो शेष धन को किस दर से उधार देना पड़ेगा, निकालो भाई। ऑप्शन भी दे रखे हैं, दिख रहे हैं ना, ए ऑप्शन पे 8%, बी ऑप्शन पे 20%, और सी ऑप्शन पे 22%, और डी ऑप्शन पे 19%, ऑप्शन भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, बस आंसर निकालो भाई। चलो 20 सेकंड का समय देता हूँ, बस आंसर जल्दी से देने का पूरा प्रयास किया करो, हैं कोई गलती मत करना, क्यों भाई। हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया, देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। हाँ भाई यूपीएसआई के लिए तैयारी करो अच्छी तरह, यूपीएसआई का बेटा एग्जाम आने वाला है भाई, सॉरी नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी ओपन होने वाली है भाई, ठीक है अच्छी तरह पढ़ाई करो यूपीएसआई के लिए बेटा, उसमें 100 नंबर का भाई मैथ आता है,
और 100 नंबर की रीजनिंग, 100 नंबर जीएस और 100 नंबर हिंदी। बेटा चारों पार्ट वही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसमें मैथ और हिंदी और रीजनिंग तीन पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें भाई आप करीबन 90% प्लस नंबर मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और सिलेक्शन पॉइंट वही होता है भाई नंबर लाने का। देखिए चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छी तरह समझ लेना। 8000 रुपये की राशि है, उसने क्या किया कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये सिक्स, 3000 रुपये तो हाँ भाई यहाँ कितना दिया है 2000, 4% से, ये भी देख लेना 4%। हाँ भाई यहाँ पर कितना है 3000, वो भी किस रेट से बताओ 5% से, और यहाँ पर कितना बचा भाई टोटल 8000 में से 2 गया 3 गया 5, तो 3 बचेगा। और वो किस तरह से, इसकी रेट पता नहीं है आपको, लेकिन टोटल पर उसे 10% ब्याज मिला है। कितना बेटा 10% ब्याज मिला है। तो भाई देखो मैं बेसिक से करूँगा, तो चलो बेसिक से कर देता हूँ, एक मिनट समझ लेना अच्छी से। बेटा 2000 का 4% आप निकालोगे तो क्या होगा भाई 80 रुपये, ठीक है, ये 80 रुपये प्राप्त हुआ। और यहाँ पर 3000 रुपये का 5% निकालोगे तो 0 से 0 कटेंगे भाई 5 15 150 रुपये। तो भाई टोटल उसे 80 और 150 कितना हुआ प्राप्त बताओ 230। भाई उसे 230 रुपये प्राप्त हुआ इन दो पार्टों पर ब्याज। अब कुल ब्याज निकालूंगा मैं, तो बेटा कुल ब्याज 8000 का 10% कितना होता ये देखिए 800 रुपये। तो बेटा 800 रुपये उसे ब्याज मिलना चाहिए ऐसा ही, कितना 800 रुपये, कितना मिला है 230, कमी कितने की है। तो बेटा मैं क्या करूँगा 800 में से 230 माइनस करूँगा तो कितना हो गया 570 रुपये, मतलब मुझे 570 रुपये ब्याज प्राप्त होना चाहिए इस वाले पार्ट पर, जब जाकर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट रेट पता चलेगी। तो बेटा इस वाले पार्ट का ही मैं आर परसेंटेज निकालूँगा, तो भाई क्या होगा 3000 पर कितना ब्याज ये देखिए 570 रुपये, कितने परसेंटेज है निकालो। बेटा 3000 पर 570 प्राप्त हुआ है, कितने परसेंटेज बराबर रेट निकलेगी। अगर यहाँ पर टी 1 वर्ष है तो 1 का भाग देंगे हैं, तब जाके एग्जैक्ट रेट निकलेगी। तो देखिए 0 से 0 फिनिश, इस 0 से ये फिनिश, तो 3 से प्रिंट होगा 19 बार, कितना आ गया भाई 19%। समझ गए भाई डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा शेष वाला पार्ट था उस पर हमें 19% ब्याज लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, ये बेटा मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया आपको। हाँ भाई अब चलो मैं शॉर्ट कराने का पूरा प्रयास करता हूँ, कि शॉर्ट कैसे करते हैं ये भी देख लेना, क्योंकि भाई तरीके तो अलग अलग आना भी जरूरी है ना। शॉर्ट करने का तरीका देखिए। हाँ भाई यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 3000 और यहाँ पर 3000, तीन पार्ट बांटे ना इसने। तो बेटा मैं ऐसे कट कर सकता हूँ, अगर मैं इसे 2 और इसे 3 और इसे 3 और इसे 8, 8 रेशियो में मान सकता हूँ धन। क्या ये हमारा 8 रेशियो में है, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया। और देखो यहाँ पर वर्ष 1 वर्ष का टाइम चल रहा है, ये देखिए कभी भी अगर तुम्हें रेट निकालनी है
तो भाई दो रेशियो का पैसा मैंने 10% से लगाया, कितने से, हाँ भाई सॉरी 4% से, 4% से लगाया प्लस, और ये तीन रेशियो वाला मैंने कितने से लगाया भाई बताओ, 5% से, और ये पैसा मैंने पता नहीं तो आर लिख लो हैं, लेकिन टोटल 8 रेशियो वाला मैंने कितने से, 10% से। दोबारा सुन लीजिए बेटा, अगर रेट का मूल के रेशियो में गुणा करते हो तो टोटल रेट निकल के आती है ये। अगर यहाँ पर समय क्या है, 1 वर्ष है जब, तो ये हो गया भाई 8%, और ये हो गया 15%, और ये हो गया 3R, और ये हो गया हमारा 80%। तो बेटा 3R बराबर क्या होगा, 80 माइनस 8 और 15 23, तो कितना हो गया 57%। तो भाई 3R बराबर 57 है, तो बेटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं R बराबर 57/3 बराबर 19%। कोई भी दिक्कत हो मेरे प्यारे छात्रों को तो बताइए बेटा, कर सकते हो ना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को भाई, अच्छे से प्रयास किया करो बस, ठीक है, समझ गए ना, हाँ भाई। तो चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, अब देखिए भाई मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पर आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा, कोई धन साधारण ब्याज पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है भाई, 20% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 5% वार्षिक, तथा शेष वर्षों के लिए 6% वार्षिक हो, तो 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज 3,900 रुपये प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, करीबन 30 सेकंड का समय देता हूँ मैं आपको, निकालिए, हाँ भाई। निकालो बेटा आंसर, हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया, देखिए तो भाई करेंगे कैसे ये देखिए, बिल्कुल बेटा बेसिक से भाई समझ लेना क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसने बोला है कोई धन साधारण ब्याज पर, धन हमें नहीं पता है, पहले 2 वर्षों के लिए, तो भाई 2 वर्ष के लिए तो हो गया कितना, 20% रेट, ठीक है। अगला पार्ट कितना है, अगले 4 वर्षों के लिए है हमारा मात्र 5% की दर से, और शेष वर्षों के लिए भाई टोटल उसने 9 वर्ष का दिया हुआ है कि 9 वर्ष तक धन मान्य होगा, उसके बाद ले लिया जाएगा, तो भाई टोटल वर्ष 9 वर्ष चला है ना, तो 2 और 4 तो हो गई, तो 3 वर्ष और बचे, तो अगले वर्षों के लिए हमारा धन था कितने की रेट से बताओ, 6% से। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई मैंने पहली साल 20% और अगली साल 20, तो टोटल मुझे 40% तो मिल चुका है भाई, स्टार्टिंग में मैंने धन तो पी है ना, मैंने 20-20-40% तो ले लिया, अब क्या होता है आगे कि मैंने पहले 5 लिया
तीसरी साल पाँच, फिर चौथी साल पाँचवीं, फिर छठवीं, पाँच पाँच करके चार साल लेता हूँ तो मुझे अब 20% ही मिलेगा अगली सालों में, और ये मिलेगा मुझे 18%। तो टोटल मुझे कितना प्राप्त हुआ, 40, 20 और ये 78% मुझे पी पर ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब पी का 78% मुझे धन प्राप्त हुआ। तो बेटा पी का 78% जैसे ही मैंने निकाला तो क्या आया बताओ, 3,900 रुपये। ये हमारा ऐसा ही है ब्याज, कोई दिक्कत। मतलब पी का 78% 3,900 रुपये है। तो भाई मैं यहाँ से मूलधन निकाल सकता हूँ, तो पी बराबर क्या होगा बेटा, 78/100 इक्वल टू 3,900। तो देखिए इससे कटेगा बेटा ये 50 बार, और इससे का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, पी बराबर 5,000 रुपये। कितना आया बताइए छात्रों, कितना आया भाई। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 5,000 आएगा। कुछ नहीं है बेटा, बेसिक से करना है आपको तो, ठीक है। 40 रेशियो अगर हमें समय का गुणा वर्ष में कर देते हैं, मूलधन समान रहेगा तो टोटल रेट निकाल सकते हो ब्याज की। तो 78% ब्याज मिली है उसे, क्लियर। अब देखिए भाई, हाँ भाई आंसर तो दिख रहा है ना 5,000 ऑप्शन सी पर, ठीक है। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर आ गया ना, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए है, इसमें से वह 4,000 रुपये को 5% साधारण ब्याज की दर से तथा 3,500 रुपये को 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है, कोई दिक्कत। तो शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपये हो जाए, मतलब उसे 500 रुपये का ब्याज प्राप्त हो जाए, ये करना है भाई। निकालिए आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था वो इसी क्वेश्चन से रिलेटिव है, ठीक है। हाँ भाई बताइए छात्र, आंसर आया कि नहीं आया बेटा। हाँ भाई चलो चलो भाई देखो कैसे करते हैं बेटा। हमारा अमाउंट मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, साफ साफ दिखता है ना बेटा, अमाउंट 10,000 रुपये दे रखा है। उसने क्या किया कि 10,000 का 4,000 रुपये तो अलग, 3,500 रुपये अलग, तो शेष किसने बचे, 4,000 3,500 7,500 हो गए, तो 2,500 रुपये और बचे, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर बेटा यहाँ पर रेट लगी हमारी कितनी भाई बताओ, पहले वाले दर पर 5% और यहाँ पर 4%, और यहाँ पर तो पता ही नहीं है तुम्हें, लेकिन टोटल ऐसा ही उसे प्राप्त हुआ है 500 रुपये वार्षिक, मतलब एक साल में 500 रुपये प्राप्त होना जरूरी है, ये बोल रहा है। तो भाई मैं क्या करूँगा, देखो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 4,000 का 5% अलग, फिर 3,500 का 4% अलग, फिर 2,500 का 8% निकालना, या टोटल ये देखना कि
टोटल 500 है ना, 500 में से ये माइनस करके कितना बचा पैसा वो देख लेना, इस पर कितने परसेंटेज के बराबर है। ऐसे भी कर लो, आप डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे ये देखिए। तो मैडम मैं इसे 10 रेशियो मान लूँ कि ये मेरा 10 है 10,000 की जगह, तो ये मेरा 4 होगा, क्या होगा 4 रेशियो में, और ये मेरा होगा भाई कितना, हाँ भाई अगर मैं इसे 10 रेशियो मानता हूँ तो बेटा इसको मैं राशि को 4 रेशियो भी मान सकता हूँ। देखो रेशियो से बता रहा हूँ कि रेशियो से कैसे करते हैं। अगर मैंने ये 4 माना है तो इसे मैं 3.5 में मान सकता हूँ। तो बेटा ये टोटल कितना हो गया 7.5, तो ये रेशियो को मैं 2.5 मानूँगा। क्लियर, ये मैं रेशियो से बता रहा हूँ कि रेशियो से आप कैसे करोगे। अगर तुम्हें रेशियो और रेट पता है और समय तो एक वर्ष का ही है, तो ये और देख लो कि इस पर ये कितने परसेंटेज है। टोटल राशि हमारी 10,000 थी, तो 10,000 पर 500 रुपये मुझे ब्याज मिला, कितने परसेंटेज ये देखिए। तो बेटा 0 से 0 फिनिश, 0 से ये फिनिश कितना हो गया 50%। हाँ भाई कितना आ गया 50% प्राप्त हुआ है टोटल। एक सेकंड रुकिए, सॉरी यहां पर बेटा 10,000 है ना भाई, इस जीरो से ये कटेगा तो बेटा कितना आ गया 5% होगा। कितना हुआ भाई यहां पर कि हमें 5% प्राप्त हुआ। तो बेटा ये 5% हमारा 10 रेशियो पर या 10,000 पर। तो देखो रेशियो से अब कैसे करेंगे डायरेक्ट, ये देखिए तुम्हें तो भाई सीधा 10,000 दिख रहा है, तो ये 4 देखो 3.5 और ये 2.5 दिखना चाहिए। तो हम क्या करें बेटा, 4 का 5% प्लस 3.5 का कितना बताइए, 3.5 का 4% प्लस 2.5 का कितना भाई 8% बराबर। तो ये टोटल अमाउंट ब्याज वाला कुल के बराबर होना चाहिए। कुल कितना है 10 रेशियो, तो 10 का कितना 5% दिख रहा है ना भाई, 10 का 5% इसके बराबर होना चाहिए ये मूल्य। तो बेटा ये हमारा कितना हो गया बताओ 20, ये कितना 14। तो करेंगे कितना देखिए, ये हो गया 20% प्लस ये हो गया हमारा 14% और ये हो गया हमारा 2.5 पर आर और ये हो गया बेटा हमारा 50%। तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं 20 और 14 अगर बेटा मैं इन्हें जोड़ लूँ तो ये होता है हमारा 34% और ये होगा 2.5 आर बराबर 50 माइनस 34। तो बेटा आर बराबर क्या होगा बताइए भाई, देखिए ये होगा हमारा 16 बटे इसका भाग दे देंगे 2.5। और बेटा जब 2.5 का इसमें मैं भाग दूंगा कितने में, 16 में, तो भाई हमारा आंसर क्या आएगा 6.4%। क्लियर बताओ भाई 6.4%। तो भाई हमारा जो शेष धन था वो 6.4% पर दिया जाएगा। कोई दिक्कत, बेसिक से भी कर सकते हो और रेशियो से भी कर सकते हो, समझ गए ना। हाँ भाई यहां तक बेटा समझ में आ जाना, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गए ना। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए बेटा। हाँ भाई आ गया ना क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कितने समय में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में होता है। कितने में होता है भाई,
दो वर्ष में। निकालिए बेटा आंसर। करीबन मैं 20 सेकंड का समय देता हूँ भाई आप लोगों को, निकालिए। हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहा करो। देखिए चलो कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पर बेटा 500 रुपये का दिया गया है 3% से, ठीक है, टी हमें पता नहीं। और यहाँ पर 900 रुपये का ब्याज है कितने परसेंट से भाई, 5% से, टी कितना है 2 वर्ष। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? तो बेटा यहाँ पर अमाउंट दिया है, रेट भी दिया है और टाइम भी दिया हुआ है, तो ये निकाल सकते हो बेटा 500 का 3% टी वर्ष के लिए अपॉन 100, क्योंकि बेटा ये एसआई बराबर ये होता है 900 रुपये का 5% से कितनी वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अपॉन 100। तो ये ब्याज और ये ब्याज दोनों इक्वल दिए हुए हैं। उसने बोला है कि 500 रुपये का कितने वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही धन होगा जितना 900 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में है। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो बेटा यहाँ आप कर सकते हो, 100 से 100 कटेगा, 00 से ये 00 फिनिश होंगे, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 3 से कट होगा बेटा 3 बार, कितना आया टी बराबर 6 वर्ष। टी बराबर कितना हुआ भाई 6 वर्ष। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को हमारे को भाई? क्वेश्चन नंबर 6 में 6 वर्ष आंसर है बेटा, दिख रहा है ना भाई आंसर सी ऑप्शन पर, क्लियर हो गया? हाँ भाई, हाँ भाई क्लियर है ना। हाँ अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्क्रीन पर आ गया ना भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ऐसा ही के भाई आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिस टाइप के हमारे भाई पिछले वाले एग्जाम, प्रीवियस ईयर वाले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं सभी, ध्यान रखना। कोई दिक्कत मत लेना भाई कोई भी छात्र हमारा। तो देखिए अब कैसे करेंगे ये देखो, सबसे पहले हाँ भाई क्वेश्चन क्या कहता है, किस ब्याज दर से 300 रुपये 4% सॉरी 4 वर्षों में उतना ही ब्याज देता है जितना 600 रुपये 2.5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से होता है। बस ये निकालिए भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है निकालो। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बता सकता हूँ अगर बेटा आप अच्छी तरह समझ लें जब, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते आप आंसर दे सकते हो ऐसे इन वाले क्वेश्चनों में। तो देखिए भाई कैसे करेंगे ये देखिए, सबसे पहले आप बेटा इसने बोल दिया भाई किस ब्याज से 300 रुपये, देखो वहां पर 600 है 300 रुपये और यहां पर 600 रुपये, ठीक है, यहां पर 2.5 वर्ष और यहां पर समय कितना है बेटा, रेट 5% है, और यहां पर भाई 300 रुपये है 4 वर्ष का है, कोई दिक्कत? तो भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 ले लो यहाँ पर 3 ले लो, तो बेटा 6 × 12 ये कितना हो गया 15, और 15 × 5 करूँगा कितना हो गया बताओ 75% टोटल ब्याज, क्लियर। और जब मैंने ये 6 माना है तो ये 300 मानना पड़ेगा भाई, रेशियो लेके चलते ध्यान रखना। तो बेटा 4 × 12 तो 12 का भाग दे देंगे, यहाँ रेट निकल के आएगी 75 में 12 का भाग दें कितना हो गया 12 छक्के 72,
तीन बचा, तीन बटे बारह एक बटे चार परसेंट। तो भाई हमारी रेट दूसरे वाली इस वाले धन पर क्या लगाएंगे, छः सही एक बटे चार परसेंटेज, क्योंकि बेटा ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज इक्वल है। अगर तुम्हें पैसे की रेट, समय और रेट पता है, तीनों का गुणा करते हो तो हमेशा ब्याज की रेट निकल के आती है, और यही हमारी ब्याज की रेट ये निकल के आई। तो ये 75% है, तो ये भी 75 करना होगा आपको, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया ना। अब देखिए भाई हमारे छात्र अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ चुका होगा। हाँ भाई, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। बेटा जितने भी छात्र भाई जुड़े हुए हैं हमसे इस समय लाइव क्लास ले रहे हैं, वो भाई सबसे पहले शेयर किया करो आते हुए ही, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हमसे रेगुलर जुड़ते जा रहे हैं वो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस धन का 6 रुपये सैकड़े वार्षिक साधारण सूद की दर से, सूद बेटा ब्याज से कहते हैं, 2.5 वर्ष में उतना ही ब्याज होता है जितना 400 रुपये का 5 रुपये सैकड़े, मतलब 5 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब 100 रुपये पर 5, तो भाई ये 5% ही है, ठीक है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में होता है, निकालिए भाई। निकालिए बेटा क्वेश्चन। हाँ भाई देखिए कैसे करेंगे, चलो मैं बता देता हूं बेटा। यहां पर किस धन पर पी पता नहीं है, 6% रेट दी हुई है, क्योंकि इसने बोला 6 रुपये प्रति सैकड़े, सैकड़े का मतलब होता है 6%, ठीक है। और यहां पर क्या दिया हुआ है भाई, 400 रुपये, और रेट कितनी है, 5 रुपये प्रति सैकड़ा, सैकड़े पर 5 क्या होता है भाई, 5%। टी कितना है यहाँ पर, 3 वर्ष क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, दिख रहा होगा आप सभी छात्रों को। तो भाई ये ब्याज और ये ब्याज दोनों इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेट समय कितना है ये भी देख लिए, 2.5 वर्ष। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, मैंने आपको बताया पैसे का मूल्य का रेट और ये रेट और ये रेट, अगर इनका गुणा करूँगा और इनका गुणा करूँगा ब्याज की रेट के बराबर होता है। तो बेटा अगर मैं यहाँ 4 रेशियो मानता हूँ, तो देखिए 3 5 15 15 60 हो गया 60%, और इनका गुणा करूँगा तो कितना हो गया भाई, पी गुणा 6 का बेटा इसमें गुणा करूँगा 15 हो जाएगा, इससे कटेगा कितनी बार, 4 बार, तो पी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, कोई दिक्कत। तो भाई जब ये 4 है और ये कितना है, 400, तो बेटा 400 को मैं 4 को मान के चल रहा हूँ, तो इस 4 को भी मैं 400 मानूँगा, क्या मानूँगा भाई, 400। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर क्या होगा भाई बताओ, 400 रुपये ही होगा, क्या होगा, 400 रुपये, ऑप्शन में दिख रहा है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। कभी भी मूलधन रेट और समय का गुणा करते हैं तो हमेशा ब्याज के बराबर आता है, ठीक है। हाँ भाई चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 आ गया ना स्क्रीन पर। हाँ भाई क्या कहता है बेटा देखिए, कितने समय में 400 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 600 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में होता है। तो बेटा जो मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन कराया है और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक ही है भाई, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, गलती मत कर देना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो। निकालो भाई आंसर। निकालिए आंसर, आंसर बस लिखते चलना भाई कमेंट बॉक्स में, हैं जो हमारे छात्र कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहते हैं बेटा, मैं भाई सब पर नज़र रखता हूँ कि कौन क्या आंसर दे रहा है और कौन क्या दे रहा है, ध्यान रखना है। देखो कितने समय में, इसने बोला है 400 रुपए का धन, कितने का भाई 400 रुपए का धन 3% वार्षिक है, आर दे रखी है, और कितने वर्ष में टी पता नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब इसने बोला है वार्षिक की दर से उतना ही होगा जितना 600 रुपये पर साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में होता है। बेटा जो ये ब्याज है इसका वही ब्याज इसका होना चाहिए, दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो ये ऐसे निकाल सकते हो 400 का कितना 3% कितने की दर से टी पता नहीं अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100 ऐसा ही होता है, और ये 600 × 5 × 2/100 बेटा, ये दोनों फिनिश, कोई दिक्कत, 0 से 0 फिनिश, 2 से 1 फिनिश होगा 2 बार, ये कितना हो गया 6, तो ये 6 कटेगा इस 6 से, तो टी बराबर कितना आ गया भाई 5 वर्ष, कितना बेटा 5 वर्ष लगेंगे। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को, कर सकता है ना, नॉर्मल तरीका है ना, और डायरेक्ट करेंगे तो इसे 6 मानो, 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60, 60 हो गया, और ये कितना है 12 का भाग देंगे कितना आ गया 5, ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है फिर अगर आप इस टाइप से सीख लेते हो तो, क्योंकि इसका 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60, ये रेशियो का गुणा और ये रेशियो गुणा इक्वल होगा, तो इसका भाग दे लो तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 9 तक क्वेश्चन क्लियर हो गए ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, आ गया ना स्क्रीन पर, क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रभात ने बैंक से कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया तथा वह आशीष को 12% वार्षिक दर से उधार दे दिया, यदि 12 वर्ष बाद उसका या उसे कुल लाभ 320 रुपये प्राप्त होता है तो मूलधन क्या है। मूलधन निकालना है भाई, क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, निकालिए। चलो मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ आप लोगों, निकालो भाई कमेंट बॉक्स में, तो साथ ही साथ लिखते चलना है आंसर। हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया, करेंगे कैसे ये देखिए। सबसे पहले बेटा इसने बोला है प्रभात ने 8% और ये आशीष, प्रभात 8% लेकर आता है और इसे दे देता है 12% पर, तो प्रभात 20 से ही 20 4% का प्रॉफिट उठा लेता है, मतलब
8% से लेके आया, 8% से ही दे देता तो इसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता। इसने किया 8 से लेकर आया 12 पर उठा दिया और 12 वर्ष के लिए। तो बेटा इसे 12 चौक 48 टोटल इसे 48% प्रॉफिट हुआ, और 48 नहीं 320 रुपये का हुआ भाई, कोई दिक्कत। तो हमेशा मूलधन तो हमारा 100% होता है, आप सभी छात्रों को पता होगा। तो पी निकालना है तुम्हें, तो 320 में 48 का भाग देंगे, गुणा करेंगे 100 का, ये तो करना ही करना है। 16 से काटेंगे, 16 दून 32, 20 बार कटा और 16 से कटेगा 3 बार, तो बेटा ये हो गया हमारा 2000/3 रुपये आ गया भाई आंसर। देखिए 2000/3 रुपये दे रहा है आंसर, दिख रहा है ना, ऑप्शन ए पर 2000 दे रहा है, गलत है। तीन बी पर 3000, सी पर 4000, ये भी गलत। तो ऑप्शन डी दिख रहा है ना बेटा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन रियल आंसर कितना है 2000/3 रुपये। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को यहाँ तक भाई? बेटा आज की क्लास समझ में आ गई ना क्लियर? और जो हमारे भाई छात्र न्यू हमसे जुड़े हुए हैं बेटा, आपको भाई कई टाइप के क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के भी कराए गए हैं भाई। इनसे पहले वाले दो लेक्चर हो चुके हैं हमारे एसआई वाले टॉपिक में। और भी सुनिए बेटा, हमारे जो ये यूट्यूब चैनल है उड़ान 100 एक्सपर्ट, इस पर भाई लिंक को ओपन करें, और बेटा लिंक को ओपन करने के बाद आपको भाई सारी क्लास मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, और प्ले लिस्ट में आपको मैथ की प्लेलिस्ट में आपको मैथ के लेक्चर मिलेंगे टोटल, और प्रत्येक टॉपिक भाई कंप्लीट मिलेगा आपको, समझ गए ना। जितने भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं भाई, ऐसे ही जुड़े रहना हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद।